सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अभी तो हमारे स्कूल बंद है ताकि हम घर पर सुरक्षित रहें। तो स्कूल की याद तो आ रही होगी आपको। आपने अभी टन 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 घंटी की आवाज भी सुनी। पता है इस घंटी की आवाज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमारा स्कूल हमारे घरों तक पहुंच गया है। अब जब तक हमारे स्कूल नहीं खुलते तब तक हम घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर। आज की क्लास में हम देखेंगे क्रमबद्धता से परिचय, जिसमें हम अपने कामों को क्रम से करना सीखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी पढ़ाई होगी, जिसमें सानिया और तितली की कहानी देखेंगे। इसके बाद हमारे साथ होंगे जादूगर मनमौजी। इसके बाद हम संख्याओं के बारे में जानेंगे और सबसे अंत में पढ़ेंगे थोड़ी सी अंग्रेजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, वह भी मस्ती के साथ। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं का क्रम यानी ऑर्डर क्या होता है और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को एक क्रम में कैसे व्यवस्थित यानी अरेंज किया जाता है। सुबह का समय है और छोटू अभी नींद से जागा है। वह उठ के सबसे पहले अपने दांत ब्रश करता है, फिर वह नहाता है। नहाने के बाद वह पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है। फिर वह सुबह का नाश्ता खाकर दूध पीता है। तो यह है छोटू की सुबह की गतिविधियों का क्रम, यानी हर सुबह वह यह सब गतिविधियां एक के बाद एक इस क्रम में करता है। चलो बच्चों, सुबह नींद से जागने के बाद और पाठशाला के लिए घर से निकलने से पहले आप जो गतिविधियां करते हो उन सब को एक एक करके एक कागज पर लिखो। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो गतिविधि करते हो उसे सबसे पहले लिखो, उसके बाद जो अगली गतिविधि करते हो फिर उसे लिखो, और इसी तरह पाठशाला के लिए निकलने से पहले घर पर जो भी गतिविधियां करते हो उन सब को लिखो। यह है आपकी गतिविधियों का क्रम। क्या आपकी गतिविधियों का क्रम छोटू के क्रम से मिलता है? क्या आप जानते हो कि जैसे छोटू और आप सबकी दैनिक गतिविधियां एक क्रम में हैं, वैसे ही अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को भी एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह बेहतर समझने के लिए छोटू के घर की मेज पर रखे कटोरों को देखते हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ा कटोरा रखा है, जिसमें फल रखे हैं। फिर उससे छोटा कटोरा रखा है, जिसमें छोटू की माँ सब्जी परोसती हैं। और अंत में सबसे छोटा कटोरा रखा है, जिसमें छोटू अपना खाना डालकर खाता है। इसका मतलब यह है कि यह तीन कटोरे उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे आकार के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इस तरह से वस्तुओं को उनकी किसी भी विशेषता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहा जाता है। बच्चों, क्या आपके घर पर भी ऐसे अलग अलग आकार के कटोरे हैं? क्या आप उन्हें उनके आकार के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो? अब छोटू अपना सुबह का नाश्ता खाकर और दूध पीकर पाठशाला के लिए निकल जाता है।
रास्ते में उसे एक शिकंजी वाला दिखता है। उस शिकंजी वाले के पास तीन अलग आकार के गिलास हैं, एक छोटा गिलास, एक मध्यम आकार का गिलास और एक बड़ा गिलास। तो बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि यह तीनों गिलास एक क्रम में रखे हैं? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। यह गिलास भी कटोरे की तरह एक क्रम में रखे हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे छोटा गिलास रखा है, उसके बाद मध्यम आकार का गिलास रखा है और आखिरी में सबसे बड़ा गिलास रखा है। इसका मतलब यह है कि तीनों गिलास उनके आकार के आधार पर छोटे से बड़े आकार के क्रम में रखे हुए हैं। समझे? छोटू का मन ललचा जाता है और वह शिकंजी वाले से एक छोटे गिलास में शिकंजी मांगता है। फिर वह शिकंजी जल्दी से पीकर अपनी पाठशाला की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करने का अभ्यास निश्चित रूप से करना। बाय दोस्तों। बच्चा लोग, क्या हाल चाल है सबके? घर पे खूब मजा मस्ती हो रही है कि नहीं? आज का हमारा शो है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आज हम लोग एक घंटे तक साथ में रहेंगे, कुछ नई नई बातें सीखेंगे और ढेर सारा मजा करेंगे। तो इस मजे मस्ती के लिए अगर तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन कोई भी आसपास हो ना, तो उन्हें भी पकड़ के खींच के ले आओ।
सब लोग साथ में बैठ के सीखेंगे और खूब सारा धमाल करेंगे। तो जरा उनको जोर से आवाज तो दो। वेरी गुड। तो चलो आज का हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। हम सबसे पहले कुछ कहानियां सुनेंगे। एक कहानी सुनेंगे आज, ठीक है? एक सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी कहानी। और वो कहानी सुनने के बाद हम एक मजेदार खेल भी खेलने वाले हैं। तो सब तैयार हो मेरे साथ? जोर से बोलो हाँ। वेरी गुड। चलो चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रोग्राम में आगे क्या क्या होने वाला है। बिट्टू की मौसी, आज एक कहानी सुनोगी? हाँ जरूर सुनाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी, बाकी काम भी करना है। तो कहानी सुनो सानिया और तितली की। सानिया और तितली। सानिया ने रंग बिरंगी तितली देखी। तितली सानिया के चारों ओर मंडराने लगी। मंडराते मंडराते तितली खिड़की से बाहर निकल गई। सानिया भी तितली के पीछे पीछे भागी। सानिया ने चिड़िया से पूछा, तुमने मेरी तितली को देखा है? चिड़िया बोली, नहीं, वह पानी पीने लगी। सानिया रास्ते पर पड़े पत्तों से खेलने लगी। सानिया सानिया, माँ की आवाज सुनते ही सानिया घर को लौट गई। माँ ने पूछा, कहाँ थी? मैं तो तितली पकड़ने निकली थी। लगता है तितली भी अपनी माँ के पास चली गई होगी। तो कैसी लगी कहानी? बहुत ही बढ़िया, ऐसी कहानी तो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। अच्छी बात है। तो अब जल्दी से बताओ कि कहानी में क्या क्या हुआ। कहानी में एक लड़की है, उसका नाम सानिया है। उसे एक तितली दिखती है। वो तितली को पकड़ने उसके पीछे पीछे भागती है और उसे रास्ते में। अरे अरे अरे, आप लोग जरा रुकिए। अगर आप लोगों की कहानी पर गपशप खत्म हो गई हो ना, तो आप लोग मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। सवालों के जवाब? सवाल भी पूछोगी बिटिया? जरूर पूछूंगी। ठीक है, पूछो। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है मौसी से। टन टन, मेरा पहला सवाल मौसी से ये रहा, इस कहानी में कौन कौन था? कहानी में थी सानिया और उसकी माँ, और हाँ तितली भी। अरे चिड़िया को तो तुम भूल ही गई, वो भी तो थी। ओहो हाँ, ये आप दोनों के बिल्कुल ठीक उत्तर थे। अब मेरा दूसरा सवाल है काका से। मुझसे? टन टन, काका आपसे दूसरा सवाल ये रहा, सानिया तितली के पीछे क्यों भागी? अरे ये तो बहुत आसान सवाल है। सानिया को तितली अच्छी लगी होगी, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए पीछे भागी थी। ये उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अब तीसरा उत्तर फिर से मौसी से, और आखिरी भी। तो तीसरा सवाल मौसी आपसे ये रहा, मौसी क्या आपने भी तितली पकड़ने की कोशिश की है? हाँ कई बार कोशिश की है। एक बार आंगन में गेंदे का फूल पर तितली बैठी थी, जैसे ही मैंने उसे पकड़ना चाहा वो फुर से उड़ गई। अच्छा ही हुआ कि आप उसे पकड़ नहीं पाए, वो फुर से उड़ गई। जैसे काका मौसी ने सवालों के जवाब दिए, वैसे ही अब आप इन सवालों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। पहला सवाल, आप अक्सर तितली को कहाँ कहाँ देखते हैं? दूसरा सवाल, अगर सानिया ने तितली को पकड़ लिया होता तो क्या होता? तीसरा सवाल, सानिया ने ऐसा क्यों सोचा होगा कि तितली अपनी माँ के पास चली गई होगी? मौसी कहानी तो तुमने सुन ली, लेकिन कहानी में जैसे तितली का चित्र था, चिड़िया का चित्र था, वैसे ही अब तुम्हें कुछ और चित्र दिखाएंगे और उन चित्रों को तुम्हें पहचानना होगा।
अच्छा ठीक है, मैं सारे के सारे बता दूंगी। क्या मेरा भी चित्र दिखाओगे? अपना चित्र आईने में ही देख लो। चलो चित्र का खेल शुरू करते हैं। चलिए तो चित्र खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है मुझे पहचानो। धनिया। धनिया मेरे खेतों में बहुत लगी होती है, ये आखिरी वाला। कछुआ। कछुआ पहला वाला होगा। अवोकाडो। अवोकाडो ये क्या होता है? ये नीचे वाला हो सकता है, ये नीचे वाला हो सकता है, ये जो जानवर है। गिलहरी। ओ ये गिलहरी है। गधा। गधा ये तो मुझे पता है, आखिरी वाला। जैतून। जैतून का टीवी पर सुना है तेल होता है, और हमारे गांव में भी है जो कोई तेल बनाता है, तो जैतून पहला वाला होगा। बैल। बैल ये नीचे वाला। साही। एक ही चित्र बचा है तो ये दायां वाला होगा। आंवला। आंवला तो हमारे यहाँ पे एक त्योहार होता है जहां पर इसके नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो ये तो मुझे पता है, आखिरी वाला। जैतून। जैतून नीचे वाला। नीवला। नीवला ये सांप को मारकर खा जाता है, पहला वाला। गधा। आखिरी चित्र बचा है और इसको तो मैं पहचानती हूँ, एक ही चित्र है। हरा प्याज। हरा प्याज दाई तरफ का पहला, ऊपर वाला। हरा प्याज दाई तरफ का ऊपर वाला। आम। आम तो फलों का राजा होता है, बाई तरफ का नीचे वाला। हीरा। नीचे की तरफ दाया वाला। स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी है। अच्छा आखिरी चित्र बचा है, यही होगा। तेंदुआ। पहला वाला। अवोकाडो। अवोकाडो ये आखिरी वाला, दाईं तरफ आखिरी वाला। ओ ये था अवोकाडो। अनानास। तो अनानास दाईं तरफ आखिरी वाला। शलजम। यही चित्र बचा है, बाईं तरफ वाला। देखा मैंने लगभग सारे चित्र पहचान लिए, अब अवोकाडो मैंने देखा ही नहीं तो पहचानूं कैसे? अरे बिट्टू की मौसी, अवोकाडो नहीं अवोकाडो। हाँ हाँ वही वही जो आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, जब तुम चित्रों को पहचान रही थी तो ऐसे कौन से चित्र थे जिनकी पहचान करने में तुम्हें दिक्कत हुई और तुम उसे पहचान नहीं पाई, बताओ तो सही। हाँ सही कहा, दो तीन चित्र ऐसे थे जिसपे मैं अटक गई। जैसे एक जानवर था जिसके पूरे शरीर पर कांटे थे, बड़े और लंबे कांटे, उसका नाम तो मैं भूल ही गई। मैं समझ गया तुम किस चित्र की बात कर रही हो, अब मैं तुम्हें चित्र दिखाता हूँ।
तुम इसी जानवर की बात कर रही थी, है ना? अरे काका, चित्र दिखाने से मौसी को याद नहीं रहेगा, इसका नाम भी तो बताओ। हाँ हाँ, यही था वो। इसका नाम शाही है। ये दूसरे जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए अपने कांटों को फैला लेता है। अच्छा, शाही के पास तो खुद को बचाने का अच्छा तरीका है। काका, शाही के अलावा और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके पास शरीर में ऐसा ही कुछ होता है? वैसे तो सारे जानवर एक दूसरे से बचने के लिए अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने शरीर पर एक मजबूत खोल बना लेते हैं ताकि वो बच सके, जैसे कछुआ। अच्छा, आप भी अपने घर पर लोगों से पूछिए कि जानवर अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं। चलो, हमने इस शाही जानवर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है, अब थोड़ा कुछ अलग खेल खेलते हैं। इस बार एक गुब्बारे का खेल खेलते हैं। अच्छा, अब गुब्बारे भी खिलाओगे? हाँ हाँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से। वो कैसे? गुब्बारे में कुछ अक्षर होंगे जिन्हें पहचानना होगा। देखते हैं तुम अक्षर पहचान पाती हो या नहीं। अक्षर वो भी पहचान लेंगे, इसमें क्या है। अच्छा, तो चलो शुरू करें। तो चलिए खेल शुरू करते हैं अक्षर पहचान का। पहचानेंगे तो। त वाले गुब्बारे फोड़ो। पीला वाला। अरे चला गया। लाल वाला। यह है ज। लाल वाला। अरे चला गया। ज वाले गुब्बारे फोड़ो। ये खेल तो बहुत ही मजेदार था। गुब्बारे फोड़ने में तो मुझे बहुत ही मजा आया। वैसे तो कोई गुब्बारे फोड़ने देता नहीं, लेकिन खेल में तो गुब्बारे फोड़ने के लिए ही कह रहे थे, इसलिए तो खेल और भी मजेदार लगा। बिट्टू, तुमने तो उछल उछल कर गुब्बारे खूब सारे फोड़े, लेकिन मुझे ये बताओ कि कौन से अक्षर वाले गुब्बारे तुमने फोड़े। मैंने गुब्बारे फोड़े प के और न के। अरे बिट्टू, प के नहीं फोड़े थे, ठ के भी फोड़े थे। अरे कोई बात नहीं है, त के फोड़े या प के क्या फर्क पड़ता है। जिसके भी तुम दोनों ने गुब्बारे फोड़े, उस अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द बताओ, जल्दी से बता सकती हो। हाँ मैं बता सकती हूँ, मुझे त से कई शब्द पता है। हाँ मैं भी बता सकती हूँ, न से। तो पहले मौसी बताएगी अक्षर त से और फिर बिट्टू बताएगी अक्षर न से, तो शुरू करो। ठीक है, त से है तरबूज, तकिया, तबला, ताल, तालाब, तराजू, तेल। अब मैं बताती हूँ, न से नल, नाली, नाम, नमक, नमकीन, नीला, नहर। और भी है त से, ताली, तितली, तेंदुआ, तोड़ना, तिल, तुम, तोल और तैरना। मेरे पास भी है न से नाक, नदी, नाव, नमक पारे, नटखट, नाखून, नीचे, नींबू और नेवला। वाह वाह, बहुत बढ़िया बिट्टू और बिट्टू की मौसी, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया खेला ये खेल, बहुत सारे शब्द बता दिए, वाह। लेकिन अभी भी बहुत सारे शब्द हैं जो तुम दोनों ने नहीं बताए, जैसे न से नगीना, नागरिक, नालायक, नापसंद, नाशपाती, नातेदार
और त से तीरंदाज, तालमेल, तरंग, तापमान, तिल मिलाना, तमाचा। और भी है, सुनते रह जाओगे तुम दोनों। हाँ ये तो है, हम दिन में खुद ही इतने शब्द बोलते होंगे। अच्छा अच्छा लगा तुम दोनों ने एक अक्षर से इतने सारे शब्द बताए, लेकिन एक अक्षर से तुम दोनों से ज्यादा शब्द बच्चों ने बताए हैं। सुनोगे उनके शब्द? हाँ हाँ जरूर सुनेंगे। बिल्कुल सुनाइए। ख से खजूर, खाजा, खाना, खामोश, खोपड़ी, खैर, खून, खजाना, खत, खाट, खाड़ी। से खेल, खाली, खिलौना, खिलाना, खुद, खेत, खोद, खा, खेती, खूंखार, खतरना। ख से खिलाड़ी, खुशी, खरबूजा, खीरा, खोल, खंबा, खरगोश, खुशबू, खीर, खेत, खाला। जैसे हमने और छोटे छोटे बच्चों ने एक अक्षर से बहुत सारे शब्द बोले, वैसे ही आप भी म अक्षर से ढेर सारे शब्द सोचिए, लिखिए और घर पर किसी को बताइए। चलो चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रोग्राम में आगे क्या क्या होने वाला है। अब चलो हम एक मजेदार खेल खेलते हैं, जादूगर मनमौजी। सब जानता हूँ जो सोचते हो आप। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। क्या चुनूं मैं? चलो चुन लेती हूँ। चुन लिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? अगर है तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। यस पर क्लिक करना चाहिए। क्या इनमें आपका जानवर है? हाँ इनमें भी है, यस पर क्लिक करना चाहिए। क्या इनमें है आपका चॉइस? हाँ इनमें भी है। और इनमें? नहीं यहाँ तो नहीं दिख रहा। अरे समझ गया और जान भी गया, जादूगर मनमौजी आपका चॉइस है। अरे जादूगर मनमौजी तो सच में सब जानते हैं, मेरी चॉइस भालू ही था, ना जाने उन्हें कैसे पता लगा। एक बार और खेल कर देखती हूँ। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। इस बार क्या चुनूं मैं? इस बार चुनती हूँ। चुन लिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? अगर है तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। अरे कहाँ गया, यहाँ तो नहीं है। नो पर क्लिक कर देती हूँ। क्या इनमें आपका जानवर है? नहीं इनमें भी नहीं है, नो पर क्लिक कर देती हूँ। क्या इनमें है आपका चॉइस? हाँ इनमें तो है, यस पर क्लिक करना चाहिए। और इनमें? नहीं यहाँ तो नहीं दिख रहा, नो पर क्लिक कर देती हूँ। अरे समझ गया और जान भी गया, जादूगर मनमौजी आपका चॉइस है। जादूगर मनमौजी फिर से समझ गए, मेरी चॉइस मुर्गा ही था। एक बार और खेल कर देखती हूँ, इस बार पता करके रहूँगी कि उन्हें कैसे पता लगता है। जादूगर मनमौजी। सब जानता हूँ जो सोचते हो आप।
इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। इस बार मैं चुनती हूँ। चुन लिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? अगर है तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। यहाँ तो नहीं है, नो पर क्लिक कर देती हूँ। क्या इनमें आपका जानवर है? हाँ इनमें तो है, यस पर क्लिक करना चाहिए। क्या इनमें है आपका चॉइस? हाँ इनमें भी है, यस पर क्लिक करना चाहिए। और इनमें? नहीं यहाँ तो नहीं दिख रहा, नो पर क्लिक कर देती हूँ। अरे समझ गया और जान भी गया जादूगर मनमोजी, आपका चॉइस है। जादूगर मनमोजी फिर से समझ गए, मेरा जानवर हाथी है। आज तक पता नहीं लगा कि कैसे समझ जाते हैं जादूगर मनमोजी सब, कल वापस देखूंगी, शायद कल पता चल जाए। तो अभी अभी आपने एक कहानी सुनी और खेल खेला, मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। अब चलो हम अंकों का एक खेल खेलते हैं। अब गिनती तो सबको आती है ना, अरे भाई वही 1 2 3 4 वाली। पता है मुझे तो इसके आगे भी बहुत सारी गिनती आती है। सुनाओ। सुनो, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति। क्या ये गिनती नहीं है? सीरियसली सच में? छोड़ो दूसरी गिनती सुनाती हूँ, जनवरी फरवरी मार्च। क्या ये भी गिनती नहीं है? उफ, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो चलो हम गिनती और गणित का एक मजेदार खेल खेलते हैं और कुछ नया सीखते हैं, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई में। हेलो दोस्तों, आज हम नया गेम खेलेंगे चित्र विचित्र। देखते हैं इस गेम में क्या होता है। हमें यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में कुछ विचित्र चीजें हैं। हाँ हाँ, इसमें शेर हाथी खरगोश हंस और कछुआ तो है ही, पर ये चित्र कुछ अटपटा नहीं लग रहा। यहाँ पे कुछ टूटा हुआ लग रहा है ये चित्र, इसको ठीक करना पड़ेगा। बताओ सबसे पहले कौन सा पार्ट आना चाहिए, ये आप कैसे पहचानोगे? बहुत ही अच्छा सवाल, ऊपर दिए हुए संख्याओं की मदद से। आप ये ऊपर दी हुई संख्याएं देखें, इनको क्रम में लगाएं। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लानी है, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। बताओ इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? नंबर 2 सही जवाब। इन चारों में से सबसे छोटी संख्या नंबर 2 है। इसको सबसे आगे लगा दें फिर। अब 3 संख्याएं बची, 9, 3 और 7। 9, 3 और 7 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या कहा, नंबर 3? बिल्कुल सही, चलो नंबर 3 लगा चुके हैं। अब बचे 9 और 7। 7 बड़ा होता है कि 9? खुद ही गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पहले आया, 8 9, 9 7 के बाद आता है। तो 7 छोटा हुआ, 7 को आगे लगा दे। अब ये ठीक लग रहा है, 2 फिर 3 उससे बड़ा, फिर 7 उससे बड़ा, और फिर 9 सबसे बड़ा, और चित्र भी बड़ा सुंदर लग रहा है अब तो। इसको देखते हैं कि ठीक आंसर है क्या। अरे वाह, बहुत शाबाशी मिली हमें तो। दादी माँ सो रही हैं और देखिए उनके ऐनक कैसे बगल में रखे हैं। पर चित्र बड़ा विचित्र है, इसको क्रम में लगाना पड़ेगा। बताओ सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? नंबर 1? बिल्कुल सही जवाब,
नंबर एक ही सबसे पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर एक सबसे छोटा होता है। आप बताओ संख्या कहाँ से चालू होती है? एक, दो, तीन, चार, पांच। एक सबसे पहले आता है ना, तो नंबर एक सबसे पहले आना चाहिए। अब दूसरा देखो, एक के बाद कौन सा आना चाहिए? एक, दो, तीन, चार। एक के बाद चार आना चाहिए। चार लगा दे। चित्र तो बड़ा सुंदर बन गया, एक ही बार में हो गया। एक, दो, तीन, फिर चार, फिर पांच, छः, सात और फिर आठ। ये नंबर क्रम में लग गए हैं। चलिए देखते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। एक के बाद एक हम तो सही जवाब ही दिए जा रहे हैं। एक और जंगल का दृश्य। ये कछुआ तो बड़ा ही हैरान है, जाने क्या हुआ है। ये चित्र ठीक करके ही पता चलेगा। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? नंबर तीन। बिल्कुल सही, आप तो बड़े तेज हो। नंबर तीन सबसे पहले आना चाहिए। नंबर तीन के बाद कौन सा आना चाहिए? गिनती गिन के देख लो। एक, दो, तीन, चार। चार तो यहां पे है नहीं, पांच। पांच है, पांच लगा देते हैं। चित्र तो ठीक हो गया। ये लोग कहां जा रहे हैं? न जाने ये कछुआ इतना हैरान क्यों है, काश हमें पता चल पाता। बहरहाल अभी अपना उत्तर देखते हैं। सही जवाब। अरे एक बंदरों की टोली, जरूर इन बंदरों को ही देख के कछुआ हैरान होगा। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? एक। ठीक है, एक सबसे आगे लगा दूं? लगा देते हैं। इस बंदर का तो चेहरा ही कट रहा है। इसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये चारों ही यहाँ पे नहीं है, पर मगर छह है, छह आना चाहिए। फिर छह लगा दे। एक, छह, नौ, आठ। नौ तो आठ से बड़ा होता है, ये पहले क्यों आ रहा है? आठ आगे लगा दे। चलो लगा देते हैं। अब ये कुछ ठीक लग रहा है, चित्र भी पूरा ठीक हो गया है। चलिए आंसर देखते हैं। सही जवाब। आशा करती हूँ ये गेम खेलने में आपको बड़ा मजा आया होगा। ये गेम आप अपने घर में भी खेल सकते हैं। कुछ पर्चियों पे कुछ संख्याएं लिखिए, उन संख्याओं को आपस में मिला दीजिए। उसके बाद इन संख्याओं को क्रम में लगाइए, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। ऐसे संख्याओं को क्रम में लगाना सीखिए और अपने दोस्तों के साथ ये गेम घर पे ही खेलिए। तो चलिए हमारा ये वीडियो देखते हैं और कठिन गणित को थोड़ा आसान बनाते हैं। आइए आज हम फलों को गिनते हैं। यहाँ कितने केले हैं? एक। यहाँ एक केला है। यहाँ कितने संतरे हैं? एक, दो। यहाँ दो संतरे हैं। इस तस्वीर में अनार दिए हैं। यहाँ कितने अनार हैं? एक, दो, तीन। यहाँ तीन अनार हैं। इस चित्र में शरीफे दिए हैं। यहाँ कितने शरीफे हैं? एक, दो, तीन, चार। यहाँ चार शरीफे हैं। इस चित्र में कटहल दी हुई है। यहाँ कितनी कटहल हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पांच कटहल हैं। आम। आजकल आम का मौसम चल रहा है, तो गिनते हैं हमारे पास कितने आम हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। हमारे पास छः आम हैं। इस तस्वीर में तरबूज दिए हैं। यहाँ कितने तरबूज हैं? सात। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। यहाँ सात तरबूज हैं।
इस चित्र में काजू दिए हुए हैं। यहाँ कितने काजू हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 8 काजू हैं। सेब, यहाँ कितने सेब हैं? गिन के बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 9 सेब हैं। ये है आपका आज का सवाल। इस चित्र में कितने काजू हैं? गिनिए और गिनकर अपनी कॉपी में लिखिए। लिख लिया? अब सही उत्तर देखें। 8। इस चित्र में 8 काजू हैं। क्या आपका उत्तर सही है? ऐसे ही गिनने का अभ्यास अपने घर पे भी करें। अपने आसपास की चीजें गिनें और बताएं कि वो कितनी हैं। आशा करती हूँ इस गेम में आपको मजा आया होगा। जोड़, और वह भी गणित में। वह क्या होता है? जब कुछ टूट जाता है हम उसे जोड़ सकते हैं। यह जोड़ हम जानते हैं, गणित का जोड़ ये वाला जोड़ नहीं हो सकता। तो जोड़ का क्या मतलब होता है? चलो देखते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गांव में 2 आम के पेड़ थे। राजू को आम खाने का बड़ा मन कर रहा था। एक दिन उसे पहले पेड़ से एक पका मीठा आम मिला और दूसरे पेड़ से 2 पके मीठे आम मिले। तो कुल मिलाकर राजू को कितने आम मिले? पहले पेड़ से 1 आम और दूसरे पेड़ से 2 आम, मिलकर हुए 1, 2, 3 आम। तो 1 + 2 = 3 होते हैं। चलो एक और कहानी सुनोगे? घने जंगल के बीच में एक तालाब था। तालाब के बाईं ओर 2 हाथी रहते थे और तालाब के दाईं ओर 3 हाथी रहते थे। एक दिन सभी हाथी पानी पीने के लिए तालाब पर आए। तो बताओ तालाब पर कितने हाथी आए? तालाब के बाईं ओर से 2 हाथी और तालाब के दाईं ओर से 3 हाथी, मिलाकर हुए 1, 2, 3, 4, 5 हाथी। तो 2 + 3 = 5 होते हैं। अब थोड़ी बड़ी संख्या वाली एक और कहानी सुनते हैं। पूरे दिन के खेल कूद के बाद 3 चिड़िया तार पर बैठ गईं। कुछ ही देर के बाद उनकी 4 सहेलियां भी आकर तार पर बैठ गईं। तो बताओ अब कितनी चिड़िया तार पर बैठी हैं? पहले बैठी थी 3 चिड़िया, बाद में आई 4 चिड़िया। कुल मिलाकर हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चिड़िया। तो 3 + 4 = 7 होते हैं। हाथी, आम, चिड़िया की मजेदार कहानियां सुनने के बाद आप जोड़ करना तो समझ ही गए होंगे। अब चलो कुछ सवाल हल करते हैं। 2 + 1 = 2 + 1 = 3 3 + 5 = 3 + 5 = 8 8 4 + 2 = 4 + 2 = 6 3 + 6 = 3 + 6 = 9 अब बताओ 4 + 4 कितने होते हैं? जरा सोचिए। 4 + 4 = 8 8 और अब 9 + 1 कितने होते हैं?
क्या आप बता सकते हैं? नौ जोड़ एक बराबर दस। दस। अब जब आपने जोड़ करना सीख ही लिया है तो छोटे छोटे जोड़ घर पे करते रहिए। घर में कुल मिलाकर कितने फल हैं? घर में अगर चार आलू और छह प्याज हैं, तो मिलाकर कितनी सब्जियां हुई? अगर आप ऐसे छोटे छोटे जोड़ करते रहेंगे तो जल्द ही आप गणित के बादशाह बन जाएंगे। अब चलिए चलते हैं अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा विषय की ओर, अंग्रेजी। little puppy, how do you bark? no puppy, that is not a bark. little puppy, how do you bark? no puppy, that is not a bark. little puppy, how do you bark? no puppy, that is not a bark. little puppy, how do you bark? no puppy, that is not a bark. little puppy, how do you bark? no puppy, that is not a bark. little puppy, how do you bark? yes puppy, that is how you bark. तो कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम? मजा आया? हमने कहानियां सुनी, नई नई चीजें सीखी, मजेदार खेल खेले। अब भाई देखो, पढ़ाई और खेल दोनों को मन लगा के करो तो दोनों में बहुत मजा आता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं रह जाता। खेल खेल में सीखो और सीखते सीखते खेलते रहो। तो अगर इसी तरीके के अच्छे अच्छे से मजेदार खेल आपको और खेलने हैं और कुछ नई नई बातें सीखनी है तो मुझसे अगली बार जरूर मिलिएगा, इसी समय पर इसी जगह पे। तब तक के लिए खेलो, कूदो, मजे करो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहना, ठीक है? बाय बाय। अरे भाई राजू। क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ सर। पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। आइए ये देखिए, ये है क्लास तीन का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग तीन में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी के तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियां और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है?
गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी और ये निशान जितना ज्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।